ये जजमेंट जो 10 अगस्त 2015 को जो आया था जयपुर हाईकोर्ट का, उसके लिए अटॉर्नी जनरल यहाँ से जाते हैं और जो एक दिन कह के आ जाते हैं वही जजमेंट आता है, और उसके बाद उस जजमेंट में भरतपुर और जोधपुर से जाट बरादरी को निकाल दिया गया था ओबीसी की स्टेट लिस्ट से, लेकिन उन्हें सरकार ने उसे दे दिया है। कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट ना करना तो एक अलग बात है, उसको पलट दिया है सरकार ने और हमारे वीरराम बैकवर्ड की जमात हम लोग सारे चुप बैठे हैं। दूसरा मेरी डिमांड एक और है, इसी तरह का विषय यूपी में है क्योंकि मैं यूपी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपके बीच यहाँ पर, कि यूपी में भी उसी समाज को इसी तरह बगैर किसी सर्वे के सम्मिलित किया गया था और उसके खिलाफ भी एक केस डला, करण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उसमें हम लोग कामयाब हुए कि कोर्ट ने कह दिया कि सरकार जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके अनुसार इसको डिसाइड करे। पिछली सरकार उस पर बैठी थी, अभी प्रेजेंट यूपी सरकार भी उस पर बैठी थी, हम लोगों ने कंटेम्प्ट करवाई है। कंटेम्प्ट के जवाब में एक कमेटी बना दी गई है एक रिटायर्ड जस्टिस के बीच, ये फाइंड आउट करें कि वेदर जाट कम्युनिटी बैकवर्ड है या नहीं। तो इस तरह के कोर्टों के ऑर्डरों पर जिस तरह सरकार बैठी है, इसके लिए हमें बहुत सीरियस सोचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और दूसरा मेरा पॉइंट, जिस आस में सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जे को लेकर बैठे हुए हैं, इसमें मेरी एक अलग ही अप्रिहेंशन रहती है, पता नहीं कहां तक वाजिब है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सरकार तक पहुंचे कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देना है तो ये टीथलेस दर्जा ना हो, ये टीथलेस दर्जा ना हो। ये टीथलेस क्यों कह रहा हूं मैं कि हर समय इस देश में जितने आयोग बनते हैं, कभी सदियों में एक ईश्वरीय पैदा होता जो किसी आयोग का चेयरमैन होता और न्याय करता। इस कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जे की जो लैंग्वेज है, जो इसमें कानून बनी है, वो ये है कि जो बैकवर्ड कमीशन होंगे वो खाली रिकमेंडिंग अथॉरिटी हुआ करेंगे। ईश्वरीय जी को पता है अभी तक ये था कि कमीशन की रिकमेंडेशन ऑर्डिनरीली बाइंडिंग होंगी एक्ट के तहत, लेकिन उस एक्ट को खत्म कर दिया गया। कहीं ऐसा ना हो कि जो आज तक हमें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिली है उसको एक कमीशन के चेयरमैन, मनपसंद चेयरमैन बैठाकर उसकी रिकमेंडेशन करा के पार्लियामेंट उसको अप्रूव कर दे, क्योंकि पार्लियामेंट बैकवर्ड के लोगों का नहीं है। आज आपके बीच में एक सांसद है, सांसद राजकुमार सैनी, इनसे अगर 200 सांसद वहां बैठे हुए हैं कोई आपकी आवाज नहीं उठाता, ये आपके बीच है। एक मेरी ये कंसर्न कि अगर सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देती है तो इस तरह दे, बाकी सारी चीजें कवर कर दी गई हैं। एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, मीडिया, आप मीडिया में देखिए, मीडिया में 65% के 5% लोग नहीं है और 5% लोग के 95% लोग। ये भी हमारी मांग है कि मीडिया एक बड़ा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, वहां पर भी रिजर्वेशन होना चाहिए, कुछ ना कुछ करके परसेंटेज जरूर होनी चाहिए। समय कम है, बाकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कुछ नया होने हैं, इसी के साथ मैं विभाग को बढ़ा देता हूँ। थैंक यू।